कच्चे आम की चटनी अगर आपने नहीं खाई तो क्या खाया। गर्मियों के मौसम में ये कच्चे आम की चटाकेदार चटनी मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। और वैसे भी ये वाली रेसिपी देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर बना के खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा, मेरे किचन रेखास फ्रेश फ्लेवर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। तो आम की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो कच्चा आम लिया है, जिसको धोकर हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और उसके साथ ही हम ले लेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, जिसको भी हमने काट लिया है। दोस्तों, अगर हम दो आम ले रहे हैं तो एक प्याज लेंगे, जितना आम लेंगे उससे आधा हमें प्याज लेना है। इन दोनों को मिलाकर चटनी बनाने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए, इसको पीसने के लिए हम एक मिक्सी का जार ले लेते हैं, उसमें आम और प्याज दोनों हमने डाल दिया है। अब इसको टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, चार कलियां लहसुन की, उसके साथ ही ले लेंगे चार सूखी हुई लाल मिर्च। ये लाल मिर्च को हम ऐसे टुकड़ों में तोड़ कर डाल देंगे और ये जब पीसेगा तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आधा चम्मच काला नमक, एक चौथाई छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, अगर जीरा पाउडर नहीं है तो आप खड़ा जीरा भी डाल सकते हैं। अब इन सारे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए एक बड़ा चम्मच हम डाल देंगे चीनी। चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। अब हमें इसको पल्स मोड पे बिना पानी के पीसना है। पल्स मोड पे इसलिए पीसेंगे ताकि ये दरदरा हो, बिल्कुल स्मूथ इसको नहीं करना है। अगर स्मूथ हो जाएगा तो जो टेस्ट इसमें आता है ना दरदरा पीसने से, वो टेस्ट नहीं आएगा। और ये देखिए, हमने अच्छे से इसको बिल्कुल दरदरा सा पीस लिया है और दोस्तों ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे इस लिंक को शेयर कर दें, ताकि उन तक भी मेरी रेसिपी पहुँच सके और वो भी मेरी रेसिपी को बनाकर एंजॉय कर सके। और दोस्तों, पीसने के बाद भी कई बार एक आध टुकड़ा रह ही जाता है, तो आप चाहें तो उसको निकाल भी सकते हैं या तो आप उसको खा भी सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा ही टुकड़ा है तो मैं इसको बाहर निकाल दे रही हूँ। और हो गया हमारे चटाकेदार चटपटी चटनी बनकर तैयार। ये बहुत ही टेस्टी है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बगैर तेल का बना हुआ है, इसमें एक बूंद भी तेल नहीं है। और दोस्तों, इसको बनाकर आप फ्रिज में एक सप्ताह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए, बनाकर एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।